और इसका एक शॉर्ट वर्जन आपको बताया था कैलकुलेशन पर्पज के लिए तो ये हमारे पास में ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड अपॉन वेबलॉन हम एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी अब यहाँ पे ये एक फोटोन की एनर्जी है तो आपको टोटल एनर्जी के लिए बताया था कि जो एक्सप्रेशन होता है वो एन इंटू एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन हो जाएगा और एन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन हो जाएगा तो इसके अंदर आप एक और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि मैंने क्लास में नहीं बताया था आपको कहा था कि जहां जहां आपको लगता आप so है तो अगर हम ये टोटल एनर्जी रख लेते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटोन्स हो जाएगा हमारे पास में तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 10 19 होता है तो ये एक और मैं सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बता देता हूं तो टोटल एनर्जी इज टू टू पावर माइनस जूल हो जाएगा डायरेक्टली आप इसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं और इस केस में जो वेवलेंथ है हमें वो एंगस्ट्रॉम में रखना होगा तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में टोटल एनर्जी दे रखी है वन जूल नंबर ऑफ फोटोन हमें फाइंड आउट करना है और वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो डिवाइडेड बाय 5000 अब इसको सिंपल आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो ये 5000 अपॉन 2 10 टू द माइनस -15 नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे वेरी इजी क्वेश्चंस ठीक है तो अब आप प्रैक्टिस अप करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि कहीं पे हम सिंपलीफाइड फार्मूला अगर बना सकते हैं तो बना लेना चाहिए नाउ क्वेश्चन नंबर टू की तरफ अगर मूव करते हैं तो बड़ा सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन है जिसमें से कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है पार्टिकल्स आर आंसर आ गया इसके लिए नाउ थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम स्टडी किया था उस स्पेक्ट्रम के वेरियस कंपोनेंट्स थे लाइक गामा रेज 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 एक्स यूवी विजिबल माइक्रोवेव रेडियो वेव एटसेट्रा और कहा था कि आपको ये ऑर्डर लर्न करना है ठीक है इसके अंदर जो वेरियस कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के आईदर दीज आर अरेन्ज इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीकवेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ ये आपको चेक करना होगा तो आपने जो ऑर्डर क्लास में जो स्टडी किया है उसके अंदर हम बेसिकली गामा रेज लेते हैं ठीक है तो ये फ्रिक्वेंसी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में अगर देखना है तो एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि एक्स रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो ये जो है हमारे पास में हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है तो एक्स रेज के बेसिस पे ही हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं अदरवाइज आप अपनी क्लास कॉपी से रेफर कर सकते हैं कि एक्चुअल ऑर्डर जो है वो क्या था ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ को अगर देखते हैं तो अगेन वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन ये तो सबको पता ही होना चाहिए सो कैथोड रेज जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं मेटर्स के उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उसमें से एक एक्सपेरिमेंट जो था हमारा वो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट तो कैथोड रेज बेसिकली अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो अगेन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर बेस्ड है सबने तो स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्वेल नेचर होती है पार्टिकल नेचर एंड वेव लाइक नेचर तो विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट पिकअप करना है कह रहा है कि रेड एनर्जी ऑफ रेड फोटोन इज मोर देन एनर्जी ऑफ वायलेट फोटोन ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो हमने कॉन्सेप्ट पड़ा था तो उसमें कहा था ना कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं लाइक like हमने एग्जाम्पल लिया था आयरन रॉड का तो उसको जब आप हीट करते हैं तो है, होते 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 तो रेड है. तो का, है. का मतलब लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा लोवर एनर्जी हो जाएगा अदरवाइज आप ये जो विबग्योर का कॉन्सेप्ट है उससे भी चेक कर सकते हैं विबग्योर के कॉन्सेप्ट में हमारे पास इस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो ये जो रेड है रेड कलर जो है वो बेसिकली हायर वेवलेंथ है हायर वेवलेंथ का मतलब लोअर एनर्जी और जो वायलेट है वो बेसिकली लोअर वेवलेंथ है दैट इज हायर एनर्जी ये ऐसे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें

पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एबल टू एक्सप्लेन दोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो है एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ब्लैक बॉडी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल का जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है ये सारे फिनोमिना जो है वो लाइट की जो वेव नेचर है उसे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे तो इसलिए हमने लाइट की ड्वेल नेचर का कॉन्सेप्ट पार्टिकल नेचर कॉन्सेप्ट जो है स्टडी किया था और उसी से हमें ये पता लगा तो इन एनी वे इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना था वो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये है? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर ये हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है और इन स्पेक्ट्रल लाइंस को कुछ सीरीज में क्लासिफाई किया हुआ है तो ये जो वेरियस सीरीज है उसमें लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पाश्चन सीरीज ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज ये जो वेरियस सीरीज है उनके मैंने फर्स्ट लेटर्स को ले लिया सो लाइमन बालमर पाशन एंड ब्रैकेट तो यहाँ पे जो हमारे पास में लोअर एनर्जी लेवल होता है लाइमन के लिए वन होता है बालमर के लिए टू होता है पाशन के लिए थ्री होता है और ब्रैकेट के लिए जो है वो क्या होता है फोर होता है और इनका जो हायर एनर्जी लेवल है ये टू एंड ऑन कुछ भी हो सकता है ये थ्री एंड ऑन कुछ भी हो सकता है ये फोर एंड ऑन कुछ भी हो सकता है या फिर इसको सिंपल सा जो है जो आपका ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आप लिख सकते हो टू एंड ऑन कुछ भी हो सकता है

यहाँ पे एक जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करने का तरीका दिया हुआ है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हमारे पास में एनर्जी है वो टू इंटू टेन टू दावर माइनस अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम अगर हम रखते हैं तो ये जूल में एनर्जी आ जाती है अब इस जूल को आप अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हो तो टेन टू दावर सेवन से मल्टीप्लाई करना है ना तो ये जो है टू इंटू टेन टू दावर माइनस एट हो जाएगा एनर्जी आ जाएगी और वेब लेंथ हमारे पास में एंग स्ट्रॉम के अंदर तो आप ये यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हो और निकाल सकते हो कि एनर्जी जो अर्स में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो अप्रोक्सीमेटली हमने ये एक्सप्रेशन जो है आइडेंटिफाई कर लिया तो अप्रोक्सीमेटली आप चेक करके देख सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी तो ये टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट अपॉन 12,000. इसको चेक कर लेंगे हम ये टू इंटू टेन टू दाइनस फिफ्टीन था जूल के अंदर है ये तो इसको अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए टेन टू दावर सेवन हमने ले लिया और सिंपल सा अब आप बाकी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं तो ये जो आ जाएगा हमारे पास में टू इंटू टेन टू दि पार माइनस फिफ्टीन इंटू वन इंटू टेन टू दिन अपॉन वेवलेंथ जो है हमारे पास में एंगस्ट्रॉम में आ गया है तो ये इस वे आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बालमर सीरीज हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए बालमर सीरीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ये एन वन एनर्जी लेवल है ये एन टू एनर्जी लेवल है ठीक है तो बालमर के लिए जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल होता है वो टू होता है और हायर एनर्जी लेवल जो होता है वो ऑनवर्ड कुछ भी हो सकता है तो अब थ्री से टू अगर आएगा तो ये मिनिमम एनर्जी होगी ठीक है एनर्जी इस फोटोन की जो होगी वो मिनिमम होगी और वेवलेंथ जो है वो इसकी मैक्सिमम हो जाएगी और अगर हम इंफिनिटी टू टू अगर लेते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगा और इसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम हो जाएगी और इसको हम सीरीज लिमिट भी कहते हैं तो ये क्लास में भी आपको बताया था डायरेक्टली मैंने जो है आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ है हाइड्रोजन एटम के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ लिखा नहीं होता है तो हमें हाइड्रोजन एटम के लिए ले लेना होता है तो वन एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर के बेसिस पे ये वैल्यू हम यहाँ हाइड्रोजन एटम के लिए कर लेते हैं और तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर माइनस क्यों लिया हमने क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है लेमडा मैक्स जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप उसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आर एच इन ये हमारे पास में नाइन बाई हो जाएगा तो ये जो हमारे पास में नाइन बाय थर्टी सिक्स आ जाएगा अब इसको वेवलेंथ के लिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो यहाँ पे वेवलेंथ के लिए अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वन बाई आर एच इंटू थर्टी सिक्स बाई नाइन आ जाएगा ये और वन बाय आर एच के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि आपको नाइन हंड्रेड इलेवन पॉइंट फाइव एंगस्ट्रॉ वैल्यू टू कंसिडर करनी है देखिए क्वेश्चन के अंदर तो जो डेटा है वो तो बिल्कुल जो स्टैंडर्ड डेटा होंगे उस टाइप से गिवन होंगे तो आप इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो आपको आर एच की वैल्यू दे रखी है अब आर एच की वैल्यू को सब्सिट्यूट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा तो इसीलिए हम सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनाते हैं क्लास के अंदर जिनको आप यूज कर सकते हो एज ए टूल टू आंसर क्विकली तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं क्या आंसर आएगा और वैसे भी क्लास में आपको बता रखा है आप अपनी क्लास कॉपी को रिवाइज करोगे तो जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है सीरीज की उसकी 6563 एंगस्ट्रॉम होता है चेक करना क्लास कॉपी वहां से पता लग जाएगा विच ऑफ डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वानाइज ये बोर्स मॉडल का पार्ट है डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट नियरेस्ट टू दी न्यूक्लियस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अट्रेक्टिव फोर्स एनर्जी डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी तो ये भी एक बोर्स मॉडल का पार्ट है एंग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वानाइज फिक्स सर्टेन वैल्यूज होती है ये भी बोर्स मॉडल का पार्ट है

मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन टू केसेज आर इन दिस रेशियो दिसन थ्रेस क्या होगा तो देखिए हम जानते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर हम निकालेंगे तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हम न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वर्क फंक्शन को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो अब जो एक्सप्रेशन बनेगा वो काइनेटिक एनर्जी वन इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट एंड का जो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी वन अपॉन काइनेटिक एनर्जी टू इज इक्वल टू टू बाई वन तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वन होगा वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन हो जाएगा और दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है इनकी वैल्यूज को हम सब्सिट्यूट कर देते हैं एच न्यू वन माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू ट्विस्ट ऑफ एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट अब इसको आप न्यू नॉट के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं दैट विल बी योर आंसर तो आप चेक करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ के अंदर वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है एंड एम एट ए फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ जीरो रेडिएशन हमें फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडियश इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी तो इस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो होगा वो वर्क फंक्शन के इक्वली होगा बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज टू तो अब यहां पे जो है हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना इंसिडेंट रेडिएशन का तो ये जो हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर थी एक्सप्रेशन बनाया था कि ये एनर्जी अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर है और एंगस्ट्रॉम में आंसर हमें निकालना है तो ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड हम ले सकते हैं लेमडा हम एंगस्ट्रॉम में पुटअप कर देंगे अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं वेवलेंथ के लिए आंसर हमें वेवलेंथ की टर्म्स में निकालना है तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू ट्वेल्व अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वेवलेंथ आ जाएगा हमारा एंगस्ट्रॉम के अंदर ठीक है तो ये 12,400 अपॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है फोर तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो थ्री समथिंग मतलब थ्री थाउजेंड समिंग आ जाएगा ये तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12th में वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एमिशन लाइन इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इन बाल्मर सीरीज तो ये वेव नंबर हमें फाइंड आउट करना है तो वेव नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है एंड रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ हम r h z स्क्वायर वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय n2 स्क्वायर पर डिपेंड करता है तो अब बाल्मर सीरीज के लिए अगर हम देखेंगे तो एन वन की वैल्यू टू हो जाएगी और एन टू की वैल्यू जो है वो थ्री हो जाएगी बिकॉज फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात हो रही है तो ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बालमर सीरीज अब ये आपको सिंपल सी कैल्कुलेशन करनी है यहाँ पे और कुछ नहीं है हाइड्रोजन एटम है तो उसका जेड तो वन ही हो जाएगा तो ये 1 1 square, पहले ही आप किसी एक क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सब जो है कर चुके हो तो ये हमारे पास में नाइन बाय सॉरी फाइव बाय थर्टी सिक्स आ जाएगा फाइव बाय थर्टी सिक्स आ जाएगा नाइन माइनस फोर बेसिकली तो ये हमारे पास में ऑप्शन ए के अंदर नजर आ रहा है ठीक है और

काइनेटिक एनर्जी है उसको टोटल एनर्जी की टर्म्स में भी सबसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी तो अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी को हमने रख दिया है टोटल एनर्जी के टर्म्स में और टोटल एनर्जी हमारा टोटल एनर्जी है ये तो इसकी वैल्यू तो माइनस वन आ जाएगी ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में कह रहा है कि डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद दी इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम तो जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वी आर इज इक्वल टू एन अपॉन टू पाई तो दो सक्सेसिव ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी mvr वी आर इज इक्वल टू पाई ये इक्वेशन नंबर वन हो गया और सेकेंड ऑर्बिट जो कि इसका सक्सेसिव है तो एन प्लस हो जाएगा नेक्स्ट अब इन दोनों का जो है आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो तो डिफरेंस तो बेसिकली एच अपॉन टू पाई आएगा और लास्ट सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सिमेटली पॉइंट फाइव थ्री जीरो का मतलब हो गया है कि एन इक्वल्स टू टू एन इक्वल्स टू वन जो है वो ग्राउंड स्टेट होता है इसके अलावा बाकी की सारी स्टेट है उनको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी टू आ जाएगी तो जो रेडियस का एक्सप्रेशन है वो हमारे पास में है फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट की जीरोस इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन बनाया था इसमें जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन लिया था क्वेश्चन कह रहा है जीरो पॉइंट फाइव थ्री लेना है तो हम वो ले लेते हैं इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो अब यहाँ पे n की वैल्यू को हम टू रखेंगे और z हमारा जो है वन हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो आंसर जीरो पॉइंट फाइव थ्री जीरो इन टू फोर एक्सट्रॉम आ जाएगा तो ये रफली टू पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास में तो इसको आप चेक करेंगे तो ये आंसर d आ जाएगा तो ये ऐसे इस टाइप से जो है हमारा सिंपल सा क्विज है तो इसी टाइप के एक्चुअल एग्जाम में भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं तो एक क्वेश्चन जो है मुझे वापस से रीचेक करना है ये ये जो हमारे पास में यहाँ पे एक्सप्रेशन था यहाँ पे थोड़ा मैंने 9 -4 करना था तो ये फोर नहीं हो रहा है तो ये 5 36 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई हमारा फाइव होगा और ये भी यहाँ पे डिवाइडेड बाई फाइव होगा तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे तो बाकी प्रोसेस हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है तो ये इस टाइप से एक हमारा इजी सा है, तो ऐसे ही एक्चुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो पहले डिफरेंट एग्जाम्स में जो है वो आ चुके हैं कोई एडवांस में आ चुका है कोई जेई मेन्स में आ चुका है कोई बिट्स में आ चुका है वगैरह वगैरह तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्विज